Hey guys and welcome back to our YouTube channel. आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पावर रेंजर डाइनो थंडर की कास्ट को। इस वीडियो में हम जानेंगे पावर रेंजर डाइनो थंडर की कास्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कि वो पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। बहुत सारी डिटेल्स और फैक्ट्स को भी इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस अमेजिंग वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेड डाइनो रेंजर की, जो कि था कॉनर मैकनाइट और इसके किरदार को निभाया था जेम्स नेपियर ने। अब बात करें जेम्स नेपियर की, तो ये बॉर्न हुए थे 24th मार्च 1982 में और इनकी एज है 40 इयर्स और ये बॉर्न हुए थे ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। अब बात करें तो यार ये फिलहाल एक फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने 2009 में आई एम नॉट हैरी जेंसन को प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था। साथ ही 2014 में इन्होंने लिखी थी और डायरेक्ट की थी द डार्क हॉर्स। इसके अलावा ये बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे टीवी शोज को प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास है हमारा ब्लू डाइनो रेंजर, जो कि है इथन जेम्स और इसके किरदार को निभाया था केविन टुहाने ने। ये बॉर्न हुए थे June 2, 1984 ओंटारियो कनाडा में। ये एक कैनेडियन एक्टर और रैपर हैं। वैसे अपने बेस्ट रोल यानी कि इथन जेम्स के लिए तो पॉपुलर हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी टीवी सीरीज और शोज में काम किया है और बहुत जगह अपनी वॉइस भी दी है। इसके बाद हमारे पास है हमारी येलो डाइनो रेंजर यानी कि कीरा फॉर्ड और इसके किरदार को निभाया था एमा लहाना ने। ये बॉर्न हुई थी June 27, 1984 ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। एमा लहाना को बचपन से ही म्यूजिक और डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और उन्होंने बचपन में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थे, लेकिन इसके बाद 2002 में उन्होंने ऑडिशन दिया था पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म का, लेकिन यार वहाँ पर ये अपनी जगह बना नहीं पाई। लेकिन इसके बाद 2004 में ही उनको पावर रेंजर डाइनो थंडर के लिए कास्ट कर लिया गया और वो हमारी येलो डाइनो रेंजर बनी। इसके अलावा अगर बात करें तो 2005 में यार उन्होंने अपना म्यूजिक करियर भी शुरू किया था, लेकिन कुछ गलत एक्सपीरियंस की वजह से यार उन्होंने इस करियर को ड्रॉप किया। इसी के साथ आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि हमारी एमा लहाना रिलेशनशिप में रही हैं एसपीडी स्टार ब्रैंडन जे मैकलरन के साथ। ये हमारे रेड एसपीडी रेंजर थे, यानी कि जिनको आप जानते हैं जैक के नाम से। अब बात करें तो यार ये रिलेशनशिप ज़्यादा चला नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास है द वन एंड ओनली टॉमी ऑलिवर और इन्होंने पोर्ट्रेट किया था ब्लैक रेंजर को पावर रेंजर डाइनो थंडर में। और हम सब जानते हैं कि ये कौन है, ये है जेसन डेविड फ्रैंक और ये बॉर्न हुए थे September 4, 1973 में। यार अगर आप टॉमी ऑलिवर के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमारी एक वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में बताया है हमारे टॉमी ऑलिवर के बारे में, जो आपको आई कार्ड में मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे वाइट डाइनो रेंजर की, जो कि था ट्रेंट मर्सर। इसको तो हम सब जानते हैं और ये कितना बैड डैश था ये हम सबको पता है और इसके किरदार को निभाया है जेफरी प्राइज़ो ने। अब बात करें तो यार जेफरी बचपन से ही छोटे मोटे प्लेज में पार्टिसिपेट किया करते थे और हाई स्कूल में पास होने के बाद यार ये डाउनटाउन चले गए और वहाँ इन्होंने लोकल थिएटर्स में परफॉर्मेंस दी। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे टीवी कमर्शियल भी करे और छोटे मोटे फिल्म्स और टीवी रोल्स भी करे और 2003 में इनको कास्ट किया गया डाइनो थंडर के लिए। चलो अब बात करते हैं हेली जिक्टर की, जिसके किरदार को निभाया था इस्माया जॉनस्टन ने। ये बॉर्न हुई थी April 5, 1976 न्यूजीलैंड में। बात करें तो यार इन्होंने टीवी अनाउंसर का भी रोल निभाया था पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म के एपिसोड गुड विल हंटर में, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो इसके बाद यार बात करते हैं एंटोन मर्सर यानी कि मैसर गॉक की। इसके किरदार को निभाया था लैथम केन्स ने। ये बॉर्न हुए थे February 3, 1964 एलाबामा में। तो नेक्स्ट हमारे पास है एल्सा, जिसके किरदार को निभाया था मिरियामा स्मिथ्स ने। ये बॉर्न हुई थी June 3, 1976 न्यूजीलैंड में। साथ ही फन फैक्ट ये है कि इन्होंने ही प्ले किया था 2020 के पावर रेंजर बीस्ट मॉर्फर में आंट रेगन को, जो कि यार आंट होती है हमारी रॉक्सी की। अब साथ ही यार डिस्कस कर लेते हैं कुछ सिविलियंस को, जहां पर सबसे पहले नाम आता है हमारी कैसिडी का। अब कैसिडी के किरदार को निभाया था कैटरीना डेवियन ने और ये बॉर्न हुई थी April 21, 1980 नॉर्दर्न आयरलैंड में। और ये इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसने दो कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेट किया है पावर रेंजर में, वो भी फुल टाइम।
और इसके बारे में यार आप और जानने के लिए हमारी आई कार्ड वाली वीडियो को सजेशन में ले सकते हैं, जहां हमने इस बारे में थोड़ी सी बात करी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं डेविन की, और इसके किरदार को निभाया था टॉम हर्ड ने। ये बॉर्न हुए थे December 12, 1984 में न्यूजीलैंड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां आज हमने डिस्कस करी पावर रेंजर डाइनो थंडर की कास्ट। और अगर मैंने किसी कैरेक्टर या एक्टर को मिस कर दिया हो तो आप उसके बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये भी बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।